ये बताओ, आपकी शादी कर लें? अभी नहीं, बाद में करना। और यार, हमारा जो घर है ना, इतना छोटा सा घर है ना, हम चार लोग रहते हैं इस घर में। छोटा सा आप घर छोटा नहीं है, मतलब हम लोग कम है यहाँ पे, तो तुम्हारी शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद में ना, बड़ा घर है, फिर क्या हम चार होगा? हैं, हमारे बच्चे होंगे, तुम्हारे बच्चे होंगे। हाँ, कितने बच्चे होंगे? जितने अल्लाह देगा। फिर भी तुम्हारे हिसाब से कितने होने चाहिए ये बताइए। दो। दो? फिर तो घर फिर भी छोटा छोटा रहेगा, दर्जन भर फिर छोटा क्यों उनका रहेगा घर? ये कह जा रहे हैं अरे, छोटा। घर छोटा हो नहीं रहने का, मेरी गलती है। बच्चे मतलब ज्यादा होने चाहिए, सही है? बताऊँ मैं कम क्यों? हाँ, क्योंकि फिर उनकी शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चों की शादी होगी, उनके बच्चे होंगे, ऐसे ही होते जाएंगे। अच्छा, फिर सबके अलग अलग घर होंगे, इनमें नहीं। आयल, तुम्हारी जो बहू होगी, जो बीवी होगी, वो कैसी लेखा? वो काली लेखा, काली लेखा है या थोड़ी गोरी? आपकी मर्जी, तुम्हें आप ही तो करवाएंगे मेरी शादी। नहीं, ये बताओ, गोरी अच्छी लगती है या सांवली? गोरी? गोरी जी। अरे, वो जो है ना सियाली में जो आई है, उससे कर लें हैं? वो तो बहुत छोटी, कोई बात नहीं, जब शादी की उम्र आएगी तो तुम भी बड़े हो जाओगे, वो भी बड़ी हो जाएगी। वो तो लेकिन मुझसे बहुत वो होगी, अभी 2 दिन की होगी वो। तो कोई बात नहीं, तुम्हारी एज कितनी है? मेरी 7। 7 ईयर है? नहीं तो पप्पा और मम्मा पता कितने छोटे बड़े हैं? 10 साल का फर्क है, 8 साल 9 साल का फर्क है। 10 साल। अरे यार, 10 का नहीं है। मम्मा ने जो है ना चलिए अपनी उम्र छुपा ली थी, तो फिर कर ही लेते हैं। अभी तो मैं 7 साल का हूँ, कम अरे, तो 5 साल की बीवी ले आते हैं से ना, कम 20 साल बाद करना शादी। हाँ, 27 साल साल की। बाद? जी जब तो तुम बुढ़े हो जाओगे। नहीं, नहीं। बुढ़ा क्यों होता, 27 साल का हो जाता, मम्मा से भी छोटा। अच्छा, मम्मा से छोटे हो जाओगे, फिर तो तुम मम्मा के चलिए, बराबर ही हो जाओगे। अरे चलिए मार्केट चलिए। ये उमरान की डिमांड पे बन रही है, रात को 11 बज रहे हैं, और देखिए मैगी बन रही है ज़्यादा पानी वाली, और मुझे भी ना ज़्यादा पसंद है, बिल्कुल एकदम पानी हो बहुत सारा, जो खाते जाओ पीते जाओ, सूप प्लस मैगी एक साथ। दोस्तों, वैसे ज़्यादा मैगी नहीं खानी चाहिए, लेकिन कभी कभी तो खा लेनी चाहिए ना, अच्छी भी लगती है। ओ माय गॉड, समुद्र में नहा के तुम तो और भी नमकीन हो गई हो, पीला इतना मैगी में पानी। अरे भाई, बहुत सारे देना मुझे। हेलो दोस्तों, आज हम बनवा रहे हैं अपने लिए गोभी के पराठे। देखिए, हमने निकाली है अभी फ्रिज में से गोभी, तो फिलहाल कल बनी थी, तो इसे भरवा के ना पराठा बनवाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। ये हमारी चाय तैयार हो गई सुबह की, बच्चों के लिए बन रहे हैं सादे पराठे, और मेरे लिए बनेगा गोभी वाला पराठा। ये आ गई है, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर स्टफिंग कर दी है गोभी की, और ये देखिए डबल लेयर पराठा हो रहा है। हाँ, तुम्हें छुट्टी अच्छी लगती है या पढ़ाई, ये बताओ पहले। पढ़ाई? ईमानदारी से बताओ, छुट्टी अच्छी लगती है ना? लगती है छुट्टी अच्छी? सबको अच्छी लगती है, हमें भी अच्छी लगती है छुट्टी, लगती है ना? आपके तो दुकान हैं? आज की आपकी छुट्टी नहीं, छुट्टी अच्छी लगती नहीं? एक बार बताओ, अच्छी लगती है ना ईमानदारी से? लगती हैं? बहुत दिनों के नहीं लगती, बहुत दिनों से नहीं लगती। और कोरोना में इतनी छुट्टी हो गई कि दिल भर गया, महीनों महीनों की छुट्टी हुई है ना? कोरोना में कब? 2 साल की छुट्टी कोरोना में। हाँ, तो 2 साल की छुट्टी हुई थी, 1 साल की? 2 साल की। बहुत ही मजा आया था जब, तो बोर हो गए थे। चलो जल्दी से आ जाओ, नाश्ता कर लो, चाय ठंडी हो रही है तुम्हारी, किचन में देखो ये रखे हैं चारों कप। उमरान आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? क्या हो रहा? ये कह रहे हैं अंडा, वो बस एक पीस ही भेज दिया, अंडा पंडा मत भेज। कूड़े की गाड़ी आ चुकी है, हमारा कूड़ा रखा यहाँ, कूड़े की गाड़ी अभी।